बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मेरी तरफ़ से मोहब्बत भरा सलाम हो। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर व अफीयत से होंगे। दोस्तान मोहतरम, पीरजादा मौलाना रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहेब, उनके हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ बातें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। वो बातें क्या हैं कि एक तरफ तो तहरीक लब्बैक वाले, उनका अपना मौक़िफ़ है, और दूसरी तरफ जो है ये क्योंकि हुकूमत के साथ जिस तरह के TLP के साथ जिस तरह का रवैया है, उस रवैये की वजह से कुछ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जो हैं उन्होंने किबला रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई के हवाले से कुछ जो है वो सोशल मीडिया पे बातें गर्दिश कर रही हैं। उन बातों की हकीकत के साथ क्या ये बातें सब हकीकत हैं? तो दोस्तान मोहतरम, बात कुछ ये है कि किबला रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई जो हैं वो हमारी अहल सुन्नत की शान है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो दीन इस्लाम के परचम को बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के पैगाम को आम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि रब्बे कायनात रब जल्ला जलालहु किबला रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब को सेहत व तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, इसलिए कि इस उम्मत मुसलमा को ऐसे उलमा की अशद ज़रूरत है। और ज़हरी बात है वो हर जो है वो जहाँ कोई बुलाता है दीन इस्लाम के जलसे के लिए जो है, या जो कॉन्फ्रेंस हो या किसी मामले का जो है, तो ज़हरी बात है जाना पड़ता है। अगर किसी हकूमती जो है वो वज़ीर के साथ या किसी के साथ अगर मुलाकात हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने वहाँ उनके जो है वो मौक़िफ़ की तर्जमानी की है कि जी जनाब आप ठीक कर रहे हो। देखो, हकूमत का एक अपना प्रोपेगंडा है, हकूमत का एक अपना मौक़िफ़ है, और इसी तरह ये जो आलम दीन है उनका जो है वो अपना एक मौक़िफ़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी अलैहिर्रहमा उनको उनकी ज़िंदगी मुबारक के अंदर जो है वो शाना बशाना किबला रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई को खड़े देखा है, और हम जो है उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हर लम्हा दीन इस्लाम के लिए कोई भी आवाज़ बुलंद होगी तो किबला रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हक के साथ खड़े रहे और हक के साथ ही खड़े होंगे। इसलिए कि ये जो उलमाए हक हैं इनके बारे में हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने तो तकरीबन 1450 साल पहले फरमा दिया कि हालात जैसे भी आ जाएं, मेरी उम्मत के जो उलमाए हक हैं वो हमेशा हक का साथ देंगे, वो बातल की तरफ नहीं जाएंगे, हालात जिस तरह की मर्जी आ जाएं। तो दोस्तान मोहतरम, पिछले दिनों के अंदर जो है वो मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब और पीर सैयद अहमद शाह बुखारी जो है साहेब, उनके हवाले से ये खबरें गर्दश करती रही, और अब जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जो है ये किबला पीरजादा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब जो हैं इनके हवाले से। असल में बात ये है कि उस वीडियो के अंदर भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि दोस्तान मोहतरम, बात दर हकीकत कुछ इस तरह है कि कोई भी जमात हो, वो अहले सुन्नत की हो, वो किसी जो हो, वो कोई उसकी उसको लीड करने वाला हो, हमें इस बात से गर्ज नहीं है, लेकिन मंजिल हम सब की मदीना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लड़ाने वाले कोई और हैं, ये सिर्फ़ इस तरह की जो है वो हरकतें करके यानी दावत इस्लामी को तहरीक लब्बैक से दूर करना चाहते हैं। और ये जो अदारा मुस्तफ़ा है, ये जो किबला रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब का और उनकी एक तहरीक है, और पूरी दुनिया के अंदर उनका नेटवर्क है, और लोग उनके साथ भी मोहब्बत करते हैं, लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ भी मोहब्बत करते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, ये कोई लड़ाने वाला दुश्मन अनासर है जो कभी जो है वो दावत इस्लामी और तहरीक लब्बैक के मुखालफ बयान जो है इनके आपस के अंदर तकरार करवा रहे हैं, और कभी जो है वो किबला जलानी साहब और जो है वो तहरीक लब्बैक के मुखालफ जो है वो एक दूसरे के दरमियान तकरार करवा रहे हैं, और कभी जो है जनाब ये रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहेब और तहरीक लब्बैक के आपस के अंदर जो है ये
इख्तलाफात करवा रहे हैं, तो हमने इन तमाम ये जो जिस तरह की भी साजिशें हैं इनसे बचकर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के दीन के परचम को बुलंद करना है। इसलिए कि हमें तो किबला अमीरुल मुजाहिदीन एक सबक देकर चले गए कि इन्हें जाना इन्हें मनाना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, हम तोड़ने फोड़ने वाले नहीं हैं, हम मोहब्बत के पैगाम को फ़रोग देने वाले हैं, हम तो बस ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की इज्जत व नमूस का नारा बुलंद हो, हुजूर आका अलैहि सलातो वसलाम की खत्म नबुव्वत का प्रचार हो, हुजूर आका अलैहि सलातो वसलाम के सहाबा के नमूस का ख्याल रखा जाए, आका अलैहि सलातो वसलाम की अहले बैत की इज्जत व नमूस का ख्याल रखा जाए, और जो सही कुरान व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का एक तर्ज अमल जो है मुसलमानों के पास पहुंचा है, पूरी उम्मत मुसलमान मिलकर जो है उस नुक्ता नज़र के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर करें, और जब हम कुरान व सुन्नत के आयन कायदे कुलिये के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे तो यकीन जानो ये दुनिया भी हमारे लिए आसान हो जाएगी, वो दुनिया भी हमारे लिए आसान हो जाएगी, इस ये दुनिया भी हमारे लिए जन्नत बन जाएगी, वो दुनिया भी हमारे लिए जन्नत बन जाएगी। इसलिए खुदारा मैं बड़ी मोहब्बत से अपील करता हूँ कि जो दोस्त जो है इस तरह के, मैं फिर भी दोस्त कह रहा हूँ, जो इस तरह के प्रोपोगंडा करते हैं यानी एक दूसरे का आपस के अंदर तजाद करवाना, ये आप चाहते क्या हो? खुदारा ये एक निज़ाम बन चुका है, और जो जिस प्लेटफार्म से भी जो है वो दीन इस्लाम का काम करता है, वो कोई हुकूमती हो या वो कोई सियासी हो या वो मजहबी हो या समाजी हो, वो किसी तरह की भी शख्सियत हो, हमें इस बात से गर्ज नहीं है, हम चाहते ये हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो दीन इस्लाम के परचम की बुलंदी जो है वो लोगों को नज़र आए और लोगों को पता चले कि जिस मकसद के लिए इस मुल्क पाकिस्तान की ज़मीन को हासिल किया गया था वो मकसद क्या था, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस मकसद को हमने जो है वो आगे लेके जाना है। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान के अदारों की हिफाजत फरमाए। तोड़ने वाले टूट जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ने वाले ना बनो बल्कि जोड़ने वाले बनो, पूरी उम्मत मिलकर एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर मुस्तफ़ा के दीन के परचम को बुलंद करें। अल्लाह तमाम दोस्तों का हामी व नासर हो।